हेलो गाइस, दिस इज मी दुष्यंत द्विवेदी एंड यू ऑन दुष्यंत रॉक चैनल। गाइस, अगर आप ये मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, आज कल रिलीज होने वाली है तानाजी द अनसंग वॉरियर, जिसमें है अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल। लेकिन इसी महीने सैफ अली खान की दूसरी मूवी भी आने वाली है, 31 जनवरी को रिलीज होगी जवानी जानेमन, जिसके डायरेक्टर हैं नितिन कक्कर और इसमें सैफ अली खान के साथ हैं तब्बू एंड न्यू कमर आलिया फर्नीचर वाला। तब्बू का किरदार क्या है वो अभी तक रिवील नहीं किया गया है, रिवील आलिया फर्नीचर वाला का भी किरदार नहीं किया गया है। लेकिन जैसा इसके डायरेक्टर ने फिल्म के डिस्क्रिप्शन में पहले बताया था, उसमें यह बताया गया कि आलिया फर्नीचर वाला विल प्ले द रोल ऑफ डॉटर ऑफ सैफ अली खान। गाइस, तो इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, इसको प्रोड्यूस किया है जैकी बंडानी ने एंड मनी अदर्स प्रोड्यूसर आर इन्वॉल्व इन इट। तो गाइस, ज्यादा देर ना करते हुए लेट स्टार्ट द ट्रेलर ऑफ जवानी जानेमन। मम्मी का बेटा ये है, मम्मी का बेटा ये नहीं, टाइम पे कह रहे थे शादी कर ले शादी कर ले, फिर झगड़ा हो गया और उसने बोल दिया। नो माँ, आई एम नॉट गे। अगर होता भी तो क्या प्रॉब्लम है? गे नहीं हो सकता माँ, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना, ओले 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 ओले। फैमिली ना आदमी को चोमू बना देती है। शेर हूँ मैं, शेर, और शेर तब तक राजा होता है जब तक अकेला रहता है। और कौन कौन रहता है यहाँ? बस जी, मैं और मेरा स्वैग। सिर्फ 33.333% चांस कि आप मेरे पापा हो। पापा? मैं किसी का पापा वापा नहीं हूँ, समझी? क्यों? Some gents problem? आप बाप हैं और ये आपकी बेटी है। आप कुछ करते भी हो या सिर्फ ड्रेसअप होके पार्टी? बहुत बिजी आदमी हूँ मैं। अपनी माँ से बात की? उन्हें कांटेक्ट नहीं कर सकती। जेल में है क्या? ये मैन, दिस इज रियली एम्बैरेसिंग। हाँ, आई कांट बिलीव मुझे अपने मम्मी को अपने पापा से मिलवाना पड़ा। कांग्रेचुलेशंस, भगवान ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। अपने एक्साइटमेंट में किसी को कुछ बता मत देना, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। आर यू श्योर ये हिप्पी तुम्हारी माँ है? ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाप हूँ, इसके पेट में इसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है, डिम्पी इसका चाचा लगता है, आप इसके दादा दादी लगते हो, अब परदादा दादी बनने वाले हो। इतने बड़े सच की पूरी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, होगा ही नहीं मुझसे। तुमने मुझे 21 साल से ये नहीं बताया कि मेरी एक बेटी है, एक कॉल कर देती। I hate phone calls. Guys, क्या शानदार ट्रेलर है। काफी दिनों बाद कोई ऐसी कहानी देखने को मिली है जो हटके है, वही स्टीरियोटाइप नहीं है। और गाइस, काफी इंटरेस्टिंग मूवी लग रही है। सैफ अली खान सीरियसली वो स्वैग बोल रहे हैं ना, मैं रहता हूँ, अरे मेरा स्वैग, तो पूरी फिल्म में उनका स्वैग अलग ही दिख रहा है। गाइस, काफी डैशिंग दिख रहे हैं, इनके कई सारे जो ट्रेडमार्क हैं, जिस तरीके से इन्होंने बाल हेयर कट है, जो जैकेट पहने, ये काफी पॉपुलर होने वाले हैं इन फ्यूचर। गाइस, जो गाना है रिमिक्स किया गया है, बहुत अच्छी तरह से रिमिक्स किया गया है उसको, वो जब भी कोई लड़की देखो मेरा दीवाना बोलो, उसके लिरिक्स जो चेंज किए हैं ना, वो बहुत ही प्यारे किए हैं गाइस। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको मिक्का सिंह ने नहीं गाया है गाइस, क्योंकि हर पुराने गाने को अधिकार जो कॉपीराइट है वो मिक्का सिंह के पास है, वही गाते हैं, लेकिन इसमें नहीं। और वो इंटरेस्टिंग लग रहा है गाइस, आलिया फर्नीचर वाला का रोल जो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इन्होंने एक्ट ऐसा लग भी रहा है कि पहली मूवी के हिसाब से उन्होंने एक्टिंग काफी बढ़िया करी है। बाकी तब्बू के क्या कहने, तब्बू एक बड़ी एक्ट्रेस है और उन्होंने ये साबित करा है इसमें भी कि वो कैसी भी एक्टिंग कर सकती हैं गाइस। और ये काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, द लास्ट डायलॉग वेयर शी सेज दैट आई हेट फोन कॉल्स गाइस, और पीछे सैफ अली खान ऐसा करते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये फिल्म आपको हंसाएगी तो सही गाइस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन जैसे जैसे फिल्म की स्टोरी ग्रो करेगी, ये एक इमोशनल फिल्म में कन्वर्ट होगी, जो अच्छा है इसके लिए, क्योंकि फिल्म एक फैमिली रिलेशंस पे भी बनी हुई है गाइस, कैसे
बेटी अपने बाप को कन्वेंस करती है गाइज। तो ये गाइज मुझे ट्रेलर काफी पसंद आया और ये 31 जनवरी को ही इसी महीने ये फिल्म रिलीज होगी, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ट्रेलर रिएक्शन का प्लीज बताना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।